सूरतगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत के खिलाफ राजकीय चिकित्सालय प्रभारी द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे ने पत्रकार जगत में भारी आक्रोश फैला दिया है। पत्रकार वेलफेयर सोसाइटी अनूपगढ़ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। सोमवार को आयोजित एक बैठक में पत्रकारों ने दोषी चिकित्सक को तुरंत हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सोसाइटी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें स्पष्ट रूप से इस पूरे प्रकरण को एक राजनीतिक षड्यंत्र और पुलिस की संदिग्ध भूमिका बताया गया है। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सारस्वत पर यह आरोप लगाया गया कि वे अपने साथ बुजुर्ग मरीजों को उकसा कर लाए थे, जबकि हकीकत में वे घंटों से प्रतीक्षा कर रहे मरीजों की ओर से दवा मांगने पहुंचे थे। पुलिस ने भी बिना जांच किए संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पत्रकार समुदाय दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मैं चंद्र ओझा, संपादक अनूपगढ़ ज्योति। हमारे पत्रकार साथी हरिमोहन सारस्वत के खिलाफ डॉक्टर नीरज सुखीजा ने झूठा परिवाद दे करके पूरे पत्रकार समाज में आक्रोश पैदा कर दिया। इस तरह से तो पत्रकार कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जहां भी हम रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे या अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ राजकार्य में बाधा, तोड़फोड़ इत्यादि का झूठा मुकदमा करवा करके प्रेस की आवाज़ को दबाने का काम सुखीजा ने किया है, जो कि सरासर गलत है। हम सभी जो एक बैठक करके इसका निंदा प्रस्ताव निकाला है और हम सब पत्रकार साथियों ने जाकर के कलेक्टर अवधेश मीणा को इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी दिया है, ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके और दूध का दूध पानी का पानी, और पत्रकारों के साथ जो अन्याय उन्होंने सूरतगढ़ में डॉक्टर नीरज सुखीजा ने किया है वो निष्पक्ष जांच हो उसकी, और उसके खिलाफ डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, ताकि इस तरह के झूठे मुकदमे आगे से कोई भी नहीं करे और पत्रकार को दबाने की कोशिश नहीं करे। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज़ नेटवर्क।